नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज आपको बताना चाहता हूँ कि मर्सिडीज़ बेंज या भारत बेंज इंजन OM906 जो हमारी गाड़ी भारत बेंज की गाड़ियों में आता है, उस इंजन की इंजन सर्विस ऑयल सर्विस कैसे करें। मैं आपको आज बताऊँगा डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर और मोबिल ऑयल फिल्टर कैसे चेंज करें और इस इंजन में कितना तेल डलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर बाजू में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो, ये मैंने भारत बेंज की ओरिजिनल फ़िल्टर किट मंगा रखी है। ये है जी ऑयल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर है जी इसका, और ये डीजल वाटर सेपरेटर है जी, ये टंकी के नज़दीक लगता है। ये 2 लीटर वाला फिल्टर है जी, कम से कम 2 लीटर डीजल इसमें आता है। ये देखिए, सभी मैंने ओरिजिनल सामान, ओरिजिनल फिल्टर मंगा रखे हैं, ये भारत बेंज कंपनी के। देखिए जी, ये ऑयल फिल्टर है, डीजल फिल्टर का है जी। डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर कैरिटेज इंसर्ट, ये देखो, ये इसमें जी कंप्लीट भारत बेंज के सभी फिल्टर, इसमें डीजल फिल्टर 2 और एक ऑयल फिल्टर, और इसमें देख लो जी इसका कंप्लीट, जो ये इसका कंप्लीट पैकिंग है जी। ये मैंने 15 लीटर, ये जी 30 लीटर इंजन ऑयल मंगा रखा है, मैंने इसी में से 26 लीटर इंजन ऑयल डालना है। ये CI4+ इंजन ऑयल है जी, क्योंकि इस गाड़ी में CI4+ ही डलता है, ये BS4 गाड़ी है। ये है जी, ये पैकिंग किट के साथ हमारा जो टैपेट कवर का जैन भी आता है, ताकि हमें टैपेट एडजस्ट करते समय टैपेट कवर नया लगाना हो तो, टैपेट कवर का जैन नया लगाना हो तो टैपेट ये नया लगा सकते हैं। देखो जी, ये है एयर फिल्टर जी, मैंने इसका कंप्लीट एयर फिल्टर दोनों, ये छोटे वाला है जी और ये नीचे रखा है, ये बड़े वाला है जी, ये बिल्कुल ओरिजिनल भारत बेंज कंपनी के हैं जी। इनमें कोई मतलब लोकल वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लोकल फिल्टर नहीं है बिल्कुल भी, और न ही भारत बेंज गाड़ी में लोकल फिल्टर चलेगा, क्योंकि ये इन गाड़ियों में लोकल फिल्टर या लोकल सामान स्पेयर पार्ट बिल्कुल भी नहीं चलता। तो इन गाड़ियों का काम करते समय ध्यान रखें कि हमेशा ओरिजिनल सामान ही डालें, नहीं तो ये गाड़ियाँ ठीक सर्विस नहीं देंगी। ये देखिए, अब हमारा लड़का इसका कैबिन उठा रहा है, इसको कैबिन उठाने के लिए जैक लगाया हुआ है। ये है जी इसके ड्राइवर का नाम है काला, ये इस गाड़ी को ड्राइवर भी हैं और मालिक भी हैं, ये खुद गाड़ी को चलाते हैं, ये ऑल इंडिया गाड़ी को लेकर जाते हैं। देखिए, मैंने इंजन ऑयल मोबिल एक साल को ना खड़ा रहा भाई, और अभी से साफ करके अच्छी तरह से, पहले तो मैंने इंजन ऑयल निकाल लिया है, ये मैंने बना देंगे नहीं डाल निकाल लिया जी। निकालने के बाद इसमें ये रबड़ रिंग होता है जी, रबड़ हो जाए भाई, 50,000 किलोमीटर थोड़े, जितनी बार सर्विस करोगे उतनी बार इसे नया बदल दे, ताकि ये यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो, ताकि इंजन गर्म होने के बाद यहाँ से ऑयल की नमी या लीकेज हो सकती है, इसीलिए आप जितने बार भी फिल्टर बदले ये रबड़ रिंग ज़रूर नया लगाएं। ये जी इसका ऑयल फिल्टर है, इसमें क्लोजिंग वाली बॉटली में एक लॉक होता है जो दबाने पर, प्रेस हो जाने पर लॉक लग जाता है, इससे फिल्टर नीचे नहीं जाता। और इस फिल्टर को लगाते समय ध्यान रखें, नीचे से अच्छी तरह से सफाई कर ले फिल्टर बॉडी की, और जहाँ पर फिल्टर लगना है, और इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसको हल्के हाथ से टाइट करें, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, अगर हम इसे जबरदस्ती टाइट करेंगे या ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट सकता है।
इसके ख़राब होने के ज़्यादा चांस होंगे, इसीलिए आप फिल्टर को कसते समय ध्यान रखें। ये है जी इसका डीजल फिल्टर, ये इंजन के साथ ही लगता है बिल्कुल। इन डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोनों पर 36 नंबर की छोटी या 36 नंबर की चाबी लग सकती है। 36 नंबर की चाबी के साथ हम इन्हें खोल सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार डीजल फिल्टर को खोलना है, इसी प्रकार मुगलाइल फिल्टर को खोलना है। मुगलाइल फिल्टर को अच्छी तरह से साफ, डीजल फिल्टर को अच्छी तरह से साफ करके लगाएं और इसको बस 25 न्यूटन मीटर टॉर्क पर ही टाइट करें। इतना ही इंजन मोबिलाइल फिल्टर टाइट करना है जी, इतना ही डीजल फिल्टर टाइट करना। अगर आप इसे ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्रैक होने का, टूटने का खतरा है जी। देखिए अब मैं यहाँ, ये टंकी दी गई है, एक्स्ट्रा टंकी है जी इसमें, इसमें गाड़ी में दो टंकी है। अगर ये टंकी नहीं होती तो ये जो डीजल फिल्टर है ये बाहर की तरफ लगा होता। देखो हमने डीजल फिल्टर बदल दिया है और इसे भरकर लगाया है। अब इसके बाद हम हैंड प्राइमर लगाएंगे। हैंड प्राइमर जब तक टाइट नहीं होगा तब तक उसे दबाते रहेंगे। और देख दबाने की प्रक्रिया, जैसे ही हम इसे, ये वैसे तो बहुत ही अच्छा हैंड प्राइमर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसको हम हैंड प्राइमर को दबाते हैं तो ये डीजल को बड़ी स्पीड से उठाता है और अच्छी प्रकार से काम करता है। बहुत ही कम गाड़ियों में इतनी स्पीड से काम करता है ये हैंड प्राइमर। देखिए जी ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर इसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है अंदर से। और पहले तो छोटे वाला लगेगा, इसे हाथ से अच्छी तरह से अंदर दबा ले, अच्छी तरह से बिठा ले। अगर नहीं बैठेगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा रह के फिल्टर निकल भी सकता है अंदर। ये बड़े वाला एयर फिल्टर, हर गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में दो एयर फिल्टर। देखो इसको भी थोड़ा टाइट बैठेगा, हाथ से दबा के बिठाना पड़ेगा, थोड़ा हाथ की चोट भी लगानी पड़ेगी। हाथ में लगा लिए, देखिए एयर फिल्टर मैंने लगभग फिट कर लिया है। अब इसका मैं कवर लगाऊंगा, एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर का कवर लगाते समय लगा दिया जी, एयर फिल्टर का कवर लगाते समय थोड़ा ध्यान रखें, इसमें प्लास्टिक के लोक हैं, ये टूट भी सकते हैं जी। ध्यान से बिठाना है जी थोड़ा इनको। अब देखिए, अब मैं ये जी एयर कंप्रेसर है इस गाड़ी में, ये ECU है जी, इंजन कंट्रोल मॉडल। ये है जी AC कंप्रेसर, ये AC कंप्रेसर है जी। ये उसकी इंजन की बेल्ट है जी, पुली है। ये टेंशनर है जी, ये नीचे फैन, इंजन की क्रैंक्स डैम्पर पुली के साथ ही जुड़ा होता है। ये इसकी वाटर पंप है जी, ये एक ही फैन बेल्ट से जुड़ा होता है। सारा टोटल सारा सामान एक ही फैन बेल्ट से जुड़ा होता है, पंखा, एसी, वाटर पंप, ये सब चीज़ें। ये डीजल लाइन है जी, ये डीजल फिल्टर, ये टैंकी से आते हुए इसमें आती है, इसके बाद फिर डीजल फिल्टर वाटर सेपरेटर में जाती है। ये गियर लीवर है जी, ऊपर की तरफ रेडिएटर था। ये है जी इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्युटली प्रेशर सेंसर, ये इधर टर्बो लगा हुआ है, टर्बो चार्जर। और जी ये एयर फिल्टर, ये जैसे एयर फिल्टर स्टॉक हो जाता तो सिग्नल क्लस्टर मीटर पे आ जाता है। ये है जी इसका ड्रेन प्लग, ड्रेन प्लग में 10 नंबर की एल की लगती है, उसे लगा कर टाइट करें अच्छी तरह से। और 26 लीटर इंजन ऑयल इस गाड़ी में डलता है जी। ये गाड़ी PS4 है जी, PS4 गाड़ी है, गाड़ी में 26 लीटर इंजन ऑयल डलता है। इंजन ऑयल आप किसी भी कंपनी के डाल सकते हैं, परंतु ग्रेड सेम होना चाहिए, ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए। ये हमें विशेष बात पे ध्यान रखनी है जी, ये दो बातें तो ध्यान रखें, ग्रेड का और ओरिजिनल का। देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी,
के ऊपर इंजन का स्विच लगाइए और इंजन को यहीं से ऑन ऑफ किया जा सकता है ताकि बार बार मैकेनिक को इग्निशन स्विच के पास गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए नहीं करना पड़े। इस गाड़ी में एक ही बंदा गाड़ी को बार बार स्टार्ट और बंद कर सकता है और अपनी कमी को भी पकड़ सकता है मैकेनिक ही। देख लीजिए इंजन स्टार्ट है, कहीं से ऑयल लीकेज नहीं है, कहीं से डीजल लीकेज नहीं है। हाँ दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ मेरी सभी आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। धन्यवाद।